बुधवार को राजकीय महाविद्यालय के बाहर छात्र संघ चुनाव परिणाम आने के बाद एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी भांजने की घटना से आहत और आक्रोशित शहर जिला कांग्रेस ने शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में एक आवश्यक बैठक आयोजित कर पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई की निंदा करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हनीश मारोठिया की जीत के बाद एनएसयूआई के छात्र और कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर खुशी मना रहे थे, तभी पुलिस ने लाठियां भांजकर छात्रों और कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, जिसमें कई छात्र और कार्यकर्ता जख्मी हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को आईजी मालिनी अग्रवाल को ज्ञापन देकर दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन और अजमेर बंद तक कराया जाएगा। सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ विचार होने के बाद हमने डिसीजन लिया है कि हमें जो दोषी पुलिसकर्मी हैं और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो क्रमबद्ध तरीके से हमारा जो आंदोलन चलेगा, जिसमें हम कल जो है आईजी मैडम को ज्ञापन पत्र सौंपेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। उसके बाद अगर इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो क्रमबद्ध तरीके से हमें धरना प्रदर्शन और बंद जैसी भी कार्रवाई करनी पड़ी तो हम निश्चित तौर पर उसको करेंगे। और हम यही कह रहे हैं कि जिस तरह ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं उस तरह प्रशासन काम करना बंद कर दे, अजमेर की सुध ले ले। जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए ये स्वयं जिम्मेदार हैं। और ये कानून व्यवस्था बिगड़ अगर हमारे कोई आंदोलन से बिगड़ती है उसके भी इनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। आज कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन जी के आह्वान पर कल जो राजकीय महाविद्यालय के बाहर कांग्रेस जनों पर एनएसयूआई के छात्रों पर जो हमला हुआ था, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, उस संदर्भ में बैठक यहाँ डाक बंगले में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी वक्ताओं ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कल सबसे पहले इस आंदोलन के पहले क्रम में आईजी साहब को कांग्रेस कमेटी की ओर से ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें इस घटनाक्रम के जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। Thank you.